नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में विश्व भूगोल के अंतर्गत हम देखने वाले हैं फोल्ड के बारे में, अर्थात वलन के बारे में। हम देखेंगे कि वलन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, और इनके सबसे पहले यानी वलन क्या होता है, उसके बाद हम इनके प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पर्वत भी कई तरीके के होते हैं, उनमें फोल्ड कैसे पड़ते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और फोल्ड भी कई तरीके से फोल्ड होते हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पीछे मैंने कई सारे डायग्राम बना रखे हैं जो वलन के प्रकारों के बारे में दर्शा रहे हैं। इनको आप नोट कीजिएगा और एक इनको फिगर वगैरह भी बना लीजिएगा। ये कह सकते हैं कि एक आपकी ज्योग्राफी में समझ विकसित करने के लिए है। बाकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से आप याद रखें कि वलन होते कितने कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि वलन होता क्या है। वलन का मतलब होता है फोल्ड, अर्थात मुड़ जाना, किसी का क्या हो जाना, मुड़ जाना। अब दूसरी बात है कि आखिर वलन जो होते हैं ये पर्वतों में कैसे पड़ते हैं। पर्वतों में वलन का कारण है कि पृथ्वी के अंदर अर्थात अंतर्जात बलों की वजह से जब संपीड़नात्मक जब कंप्रेसर की वजह से क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती हैं तो वो क्या होती हैं, जब टकराने के बाद में वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बीच में दौरान क्या होता है, जो दो प्लेटों में मुड़ने के पहले जो बीच का स्थान था जिसमें अवसाद वगैरह जमा थे वो ऊपर उठ जाते हैं, और उन्हीं की वजह से क्या होता है, वो फोल्ड हो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट है, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, इसको जब आप प्रेशर डालेंगे तो इसका बीच का हिस्सा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और इसी से क्या होता है, एक फोल्ड बनेगा, उसके बाद में कई सारे फोल्ड बनते चले जाएंगे। इस तरीके से एक फोल्ड बनेगा, दो फोल्ड बनेगा, इस तरीके कई सारे फोल्ड बनते चले जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। कुछ इस तरीके का होगा, जैसे मान लीजिए एक कोई ये प्लेट है, एक कोई ये प्लेट है, बीच में क्या है, अवसाद वगैरह, जब आप पास में आएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से उठ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वलित पर्वत कहते हैं। तो ये वलन तो समझ में आई बात, वलन होता है, लेकिन वलन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप वलन के अंदर ही थोड़ा सा याद रखिए, जो वलन पड़ते हैं, देखिए मैंने बताया इस तरीके का एक, इस तरीके के शेप में कुछ बन जाते हैं इस तरीके से, तो इसमें भी क्या होता है, जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, अर्थात वलन के दौरान जो ऊपर उठा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपनति, जो ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं अपनति, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अभिनति। अर्थात ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अपनति, और नीचे का जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलाएंगे अभिनति। इंग्लिश में भी आप हल्का सा दिमाग में रख सकते हैं, अपनति को बोलते हैं एंटीक्लाइंस और अभिनति को बोलते हैं सिंक्लाइंस, तो दोनों को आप याद रखिए, परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, अपनति अभिनति क्या है, तो उसको याद रखिए। लेकिन उस अपनति में ही और भी छोटे छोटे आपको अपनति अभिनति देखने को मिलेंगे, तो उस अपनति के अंदर भी क्या होगा, कई सारे इस तरीके के होंगे जो ऊपर उठे होंगे, उनको समअपनति बोलते हैं, एंटी क्लाइनोरियम बोलते हैं, इनको याद रखिएगा, एंटी क्लाइनोरियम, ये इस तरीके से होते हैं। देखिए आप देखिए, वलन मतलब जो अपनति, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट में क्या है, ऊपर इस तरीके से, मान लीजिए ये वलन पड़ गया, इसमें भी क्या हो गया, ऊपर से इस तरीके से हो गया, इसके जो ऊपर उठे होते हैं इनको समअपनति, और इसमें जो नीचे का हिस्सा, इसमें जो नीचे के हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं समअपनति। दोनों को याद रखिएगा, समअपनति और सब समअभिनति, दोनों को सिंक्लाइनोरियम बोलते हैं इंग्लिश में भी, याद रखिए, इनको हिंदी टर्म इनके याद करने काफ़ी टफ है, इसलिए इनको इंग्लिश में याद करेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी पढ़ने में, इसलिए मैंने इंग्लिश टर्म इनके लिख दिए, इनको आप समझिएगा। तो ये तो गई बात समअपनति और सबअपनति की, अपनति अभिनति, देखो नाम भी काफ़ी अजीब है, इनको याद लेकिन कर लीजिएगा, परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो आपकी समझ विकसित करने के लिए, या ज्योग्राफी का ये वो हिस्सा है जिसको आपको नॉर्मल में, अगर जब आप किसी संस्थान में कोचिंग करने जाएंगे या कहीं पर आप जैसे क्लासेस लेने जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, उनमें आपको ये चीज़ें, या आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, जो लोग भी पढ़ाते हैं, इन चैप्टरों को छोड़ दें, क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है जिसको लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर गया हूँ, ताकि जो भी हिस्से आपके छूट रहे हैं वो छूटे ना। तो फिलहाल इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे इनमें भी, इनके जो पार्ट में डिवाइड किया गया उसमें से एक है जिसको बोलते हैं सममित वलन। सममित वलन क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं इनको, फॉल्ट बोलते हैं इनको, देखिए ये होता क्या है। तो ये सबसे पहले याद रखिए कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो बीच का हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है, ये हिस्सा इस तरीके से हो कि दोनों के, अर्थात वलन की एक भुजा और दूसरी भुजा दोनों लगभग एक ढाल में हो, दोनों की ढाल क्या हो, लगभग समान होती हो, दोनों की ढाल लगभग 45 डिग्री के रैंप पे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सममित वलन बोलते हैं। इसमें आप इसको समझने के लिए और थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जो इसकी जो चोटी है वो बिल्कुल यहाँ से एक लाइन खींचे और सीधे लेकर के चले जाइए, जब इस तरीके की हो, अर्थात वलन की दर दोनों तरफ से क्या हो कि समान हो, तो इससे क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा, और थोड़ी सी इसकी ढलान हो, अर्थात तो दोनों वलनों की जो भुजाएं हैं उनकी ढलान क्या हो, लगभग समान हो, उनको बोला जाता है सममित वलन।
सिमेट्रिकल फोल्ड। देखिए इसमें फिगर बने हुए, फिगर नंबर एक ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये है, पांच ये है, छह ये है। छहों को मैं बताऊंगा, इसको समझिएगा। पहला मैंने बताया कि जब फोल्ड अर्थात एक प्रेशर इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, फोल्ड कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे इस तरीके से हो और बिल्कुल ठीक बीच में क्या हो, इस तरीके से फोल्ड हो जाए, बिल्कुल बीच का हिस्सा इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम सममित वलन। सममित वलन आप समझ गए। उसके बाद का जो दूसरा वलन, इसको बोले असममित वलन। इसको थोड़ा समझिए, इसमें क्या हो, इसमें वलन जो इस तरीके से वलन होता है कि जिसकी एक भुजा है वो तो बिल्कुल समान होती है, लेकिन दूसरी भुजा जो है उसकी ढलान काफ़ी तीव्र होती है, ढलान ज़्यादा नहीं होती है। और ये क्या होता है, एक तरफ झुके से लगते हैं। असममित वलन क्या होते हैं, एक तरफ से झुके से लगते हैं। अब इनमें लाइन अगर जो आप खींचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये देखिए इसकी, ये देखिए हल्का सा ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल सीधा था, ये वाला क्या हो रहा है, हल्का सा टेढ़ा होता चला जा रहा है। इसको बोल लेते हैं असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड, याद रखेगा। तो दोनों एक हो गया है सिमेट्रिकल, एक हो गया एसिमेट्रिकल फोल्ड, दोनों को याद रखिए। इसमें क्या होता है, इस वाले में दोनों तरफ वलन समान, इसमें से एक तरफ वलन ज़्यादा होता है, जिस तरफ ज़्यादा होता है वो दूसरे के ऊपर हावी होता है, और ये क्या होता है हल्के से एक तरफ मुड़ जाते हैं, असममित होते हैं, याद रखिएगा ये। अब आ जाएंगे तीसरे नंबर पर, तीसरा वाला भी बिल्कुल इसी तरह, अर्थात पहले के बाद दूसरा होगा, दूसरे दूसरा समझिए, दूसरे के बाद तीसरा। देखिए तीसरे में कुछ इस तरीके से होता है कि जो एक तरफ की ढलान तो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन दूसरी ढलान करीब 90 डिग्री पे बिल्कुल ठीक खड़ी वैसे ही होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। जैसे इसको समझिए, ये वाला हिस्सा जो है ये तो ढलान है, इसको होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, लेकिन है ये बिल्कुल क्या, करीब ये वाला कोण आप मापेंगे तो करीब ये ठीक यहाँ से क्या होता है 36 से वो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसकी एक भुजा। अर्थात तो वलन की दर कुछ इस तरीके से हो कि एक भुजा की ढलान तो जैसे पहले थी वैसे ही हो, लेकिन दूसरी जो भुजा है वो करीब 90 डिग्री का, अपने क्षैतिज पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको बोलते हैं एक दिग्नत वलन, मोनोक्लाइनल फोल्ड बोलते हैं, याद रखिएगा एक दिग्नत वलन। इसको याद रखिए, देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से है, समझिएगा इसको, इस तरीके से होता है, इस फोल्ड को समझिएगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट फोल्ड पे। देखिए तीन फोल्ड आप समझ गए, अब तीन फोल्ड के बाद देखिए चौथा फोल्ड जो होता है वलन होता है उसको आप देखिए। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसमें देखिए क्या होता है, इसमें वलन की दर कुछ इस तरीके, इसको देखिए समनत वलन बोलते हैं, समनत वलन, समनत वलन, आइसोक्लाइनल फोल्ड बोलते हैं। आइसोक्लाइनल फोल्ड में क्या होता है इसको समझिए। इसमें देखिए अभी मैंने बताया था, इसमें क्या होती है दोनों फोल्ड की दर कुछ, मतलब जो वलन हो इस तरीके से हो कि दोनों जो भुजाएँ हैं, दोनों भुजाएं वो करीब 90 डिग्री का कोण बना रही हो, इस तरफ भी वलन बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल ठीक सीधी खड़ी ढलान होती हो, क्लिफ वगैरह आप देखते हैं बिल्कुल ठीक सीधी खड़ी ढलान, और दूसरी तरफ भी बिल्कुल क्या सीधे ठीक ढलान हो, ढलान नाम मात्र के बिल्कुल सीधे थे, इस तरह से हो, इस तरीके से बिल्कुल ठीक खड़ी ढलान होती है, ये बिल्कुल करीब कह सकते हैं दोनों तरफ से जब 90 डिग्री का कोण बनाया जैसे इस तरीके से था, इस तरफ भी अगर जो 90 डिग्री का कोण बन रहा होता तो यही बिल्कुल वैसे बन जाता है, मतलब एक तरफ भी 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री, उसको समनत वलन बोलते हैं, आइसोक्लाइनल फोल्ड बोलते हैं, इसको समझिएगा। इसमें दोनों क्या होते हैं, दोनों भुजाएं इसकी एक दूसरे के समानांतर होती हैं ऊर्ध्वाधर में। देखिए एक ये समान है, एक इधर ये समान, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसको समझिएगा। इस तरीके से दोनों एक ही हैं, इस तरीके से फोल्ड होता है, इसको समझिएगा, दोनों इस तरीके से, अर्थात दोनों भुजाएं क्या हों बिल्कुल 90 डिग्री पे हों, एक दूसरे के लगभग समानांतर हों। ये वाली भुजा आप ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को, लगभग क्या होती है लगभग समानांतर होती हैं दोनों भुजाएं, इसलिए इसको बोलते हैं समनत वलन, आइसोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जानते हैं। अब क्या कीजिए, इसको चार पांच लोग मिलिए, इसको क्या कीजिए धक्का दे दीजिए दूसरी तरफ, क्या कीजिए इसको धक्का दे दीजिए, कहने का मतलब यह इसको गिरा देंगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जिसको बोलेंगे परिवलित वलन, रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, जैसे क्या होता है कि इसमें जो था ये जो भुजाएं थी वो क्या थी, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हैं, इसमें क्या होती है, ऊर्ध्वाधर क्या है, सॉरी ऊर्ध्वाधर समानांतर है। इसमें क्या हो जाएगा, जब ये वाला हिस्सा गिरा दोगे, जब कुछ दो दो समानांतर चीज़ें इनको सीधे खड़ी हुई इनको गिरा दोगे तो क्या होंगी, ये समानांतर तो तभी रहेंगी लेकिन वो क्या हो जाएंगी, वो
क्षैतिज समानांतर हो जाएंगी, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए जिसमें ये वाला ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, क्या क्षैतिज रूप से समानांतर है, इसमें क्या हो जाता है क्षैतिज समानांतर हो जाते हैं। क्षैतिज समानांतर तो इसको समझिएगा, ये क्या होता है समानांतर, क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती है, अर्थात एक चट्टान दूसरे के उस तरीके से हो जाते हैं कि दोनों क्या होते हैं क्षैतिज रूप से समानांतर दिखने लगते हैं। इसमें भी एक और होता है, उसको भी थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें मैंने बताया नहीं है, लेकिन थ्रस्ट जिसको बोलते हैं इसको थोड़ा समझिए। जैसे क्या होता है एक कुछ इस तरीके से हो जाए कि दूसरा क्या हो एक प्लेट पे दूसरी, अर्थात एक चट्टान दूसरे पे जब चढ़ जाती है एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, उनको बोलते हैं जिसको हम थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। थ्रस्ट हल्का सा समझ सकते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं इनको। और इसके बाद का जो है एक है जिसको बोलते हैं पंखा का फैन फोल्ड। फैन फोल्ड क्या होता है, दरअसल जब फोल्ड की दर अर्थात वलन की दर जब असमान हो जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसमें फोल्ड पड़ जाए और जो चट्टान हो वो काफ़ी मुलायम हो और कई जगह से टूट रही हो और हल्की हल्की जगह पे फोल्ड उसमें होने लगे, तो उसको बोला जाता है पंखाकार। देखने में कुछ ऐसा लगता है कि कोई पंखे के जैसा है, जैसे पंखाकार या डेल्टा आप देखते हैं तो उसी तरीके से ये भी दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं पंखाकार फोल्ड। ये फैन फोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये चट्टान इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के जब पास आती हैं तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो ये पंख के जैसे पंखाकार क्या होता है फोल्ड हो जाता है। इसमें समझना इसको इसलिए ज़रूरी है कि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न कई सारे पूछे जाते रहे हैं, खैर पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, लेकिन थोड़ा सा ये तब पूछे जाते हैं जब परीक्षा का जब पैटर्न क्या होता है काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, उस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालिया में आप देखेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग है नहीं, लोग इसको देखना कम पसंद करेंगे। लेकिन अगर जो एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछ लिया जाएगा तब क्या होगा, लोग उसको देखना शुरू करेंगे और क्या करेंगे, लोगों से शिकायत करेंगे, अपने टीचरों से शिकायत करेंगे कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं था इसको, इस तरीके इस वजह से क्या होगा ये नहीं मिला। एग्जाम्पल दो, आप देखें जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँगा इसी को लेकर के, जैसे आप समझे एक यूपी पीसीएस की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन नए स्थित हैं, पूछ लिया गया प्रश्न, बनाने वाले का कुछ भी पूछ लें, तो उसमें क्या हो गया पूछा गया। अब वो मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर जिन लोगों ने देखा हो सकता है उनका सही भी हो, याद भी नहीं रहता, मैं जानता हूँ फैक्ट है गलत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो आप देखेंगे तो वो चीज़ें मैंने बताई थी और परीक्षा के कह सकते हैं लोग उसको इतर समझ करके उसको नहीं देखे, उसको ध्यान नहीं दिए, लेकिन क्या है फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ वही नहीं होता है जो परीक्षा में आया हुआ होता है, रिपीटेड की तरफ भागिए, मैं कहने के तहत रिपीटेड पर पढ़िए, लेकिन आप नए तथ्यों को भी संग्रह करते चाहिए। रिपीटेड आप कितना पढ़ेंगे, बार बार रिपीटेड पढ़ते जाएंगे, लेकिन रिपीटेड ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, परीक्षा का प्रश्न पैटर्न बदल रहा है, उस दौर में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा नए की तरफ आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, नए नए फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो रिपीटेड हैं वो तो सभी पढ़ रहे हैं, आप कुछ नया पढ़ेंगे तभी तो उनसे कुछ अलग कर पाएंगे। एक और उदाहरण देता हूँ, पूछा गया टेलीग्राफिक पठार, आप अगर जो मेरे आर्कटिक वाला वीडियो ले लीजिए, चाहे आप अटलांटिक में मैंने बनाया था वीडियो उसमें आप देखें तो मैंने टेलीग्राफिक पठार बाकायदा मैप में नोट किया हुआ है, वो भी आप लीजिए तो आपको मिलेगा। हाँ कुछ प्रश्न होते हैं मैंने नहीं बताया है, आ जाते हैं परीक्षा पर, लेकिन मैक्सिमम प्रश्नों को आप ज्योग्राफी में आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रश्नों को आप मेरे वीडियो को जब आप देखें तो कवर कर ले जाएंगे, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो उसी तरीके से ये वीडियो है, ये आप नॉर्मल में देखेंगे, किताबों में आप पढ़िए, उठाइए जरा से ये चैप्टर उठा के देखिए, आपको अजीब अजीब से इसके फिगर देखने को मिलेंगे, सभी फिगर को एक में बना दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से कह देंगे इस तरह है इस तरह है इस तरह है इस तरह है, इस तरीके के फिगर मिल जाएंगे आप, फिर समझना उनका अपना तरीका है समझाने का, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर जो मैं वही चीज़ बताने लगूंगा तो मेरे उनमें फिर तो आप मेरे वीडियो क्यों देखेंगे। कुछ नया करने की वजह से क्या मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि आप इनको थोड़ा सा देखें और अपनी समझ विकसित कर सकें, ऐसे डायग्राम बना सकें परीक्षा में अगर जो आ जाए प्रश्न वलन के ऊपर, तो आप इस तरीके के अगर आप डायग्राम बना लेंगे थोड़ा सा तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो फिलहाल आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भ्रंशन के ऊपर अर्थात फॉल्ट के ऊपर, फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। और एक चीज़ बात बता दूं, मैं तुरंत अब मॉडर्न हिस्ट्री पे आने वाला हूं, मिडवल हिस्ट्री खत्म ही हो गई थी, एक आधा चैप्टर बचा उनको मैं बता दूंगा, फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की ओर रुख करूंगा। आप बताइए मुझे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना चाहिए या एशियंट हिस्ट्री शुरू करना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्या है, दोनों के फायदे और नुकसान भी। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं लेकिन कई लोग पढ़ लेते हैं, एशियंट हिस्ट्री में क्या है
आप पढ़ नहीं पाते लेकिन प्रश्न भी कम आते हैं। तो दोनों के अलग अलग हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।